जय माता दी, जय मां कामाख्या। देवराधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल। तिलक बिंदी लगाने का क्या फायदा होता है? मनुष्य को हमारे हिंदू सनातन धर्म में तिलक, महिलाएं बिंदियां लगाती है, तो तिलक बिंदी लगाने का वास्तव में फायदा क्यों? क्यों ये हमारी परंपरा बनाई कि स्नान करने के बाद पूजा करते समय तिलक या बिंदी लगाना चाहिए, महिलाओं को, सुहागन महिलाओं को विशेष तौर से बिंदी लगाने का क्यों कहा जाता है? परंतु आज की फिर वही समस्या कि हम आधुनिक हो गए हैं, मॉडर्न बन गए हैं, अंग्रेजी माध्यम से हम पढ़ लिख गए हैं, इसीलिए हम न तो बिंदी लगाते हैं न चूड़ियां पहनते हैं, क्योंकि हम पुरुषों के बराबरी कर रहे हैं। परंतु जो उसके पीछे का रहस्य है वो हम आज आपके सामने खोलने वाले हैं कि मनुष्य की जन्म कुंडली का दूसरा भाव जो होता है यह मनुष्य के चेहरे का कहलाता है। जन्म कुंडली का सेकंड हाउस यह मनुष्य के चेहरे का भाव कहलाता है, और हमारा माथा, आंखें, मुंह, दांत, जिह्वा, वाणी यह सब दूसरे भाव को प्रतीक करती है। तो दूसरे भाव का कारक ग्रह गुरु और शुक्र माना गया है। गुरु आज्ञा देता है और शुक्र सुंदरता देता है, तो दोनों आईब्रो के मध्य भाग में जो आज्ञा चक्र है वहां गुरु जी का प्रभाव सबसे ज्यादा होता है। बिंदी या तिलक वहीं पर ही लगाया जाता है। जब हम किसी को कुछ समझाते हैं या डांटते हैं तो अंगूठे के साथ वाली उंगली का इस्तेमाल करते हैं। तो जब हम किसी को कुछ समझाते डांटते हैं तो अंगूठे के साथ वाली उंगली जब उठती है तो दोनों आईब्रो के मध्य भाग पर भी प्रभाव पड़ता है। यह गुरु का स्थान कहलाता है। बिंदी या तिलक करने से आकर्षण बढ़ता है और सुंदरता भी बढ़ती है, साथ ही हमारा पराभव भी बढ़ता है, यानी वैभव, दूसरों को आकर्षित करने का एक प्रभाव पड़ता है। बिंदी लगाने से सुंदरता और आकर्षण दोनों बढ़ते ही बढ़ते हैं। तो चेहरा जो है वह शुक्र का हो गया। तिलक अक्सर पीले कलर का या लाल कलर का या केसरिया रंग से लगाते हैं, या कुछ लोग सफेद भी लगाते हैं। कुदरत की जो वस्तुएं हैं, प्रकृति की वस्तुएं हैं, जैसे केसर हो गया, चंदन हो गया, हल्दी हो गई, तिलक हो गया, ये सब शुभ मानी जाती है। काला कलर या किसी विभूति भभूति का तिलक नहीं करना चाहिए। कुछ समय, थोड़े समय के लिए आप लगा लें तो ठीक है, परंतु रोज रोज उसका तिलक नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि गुरु के ऊपर यदि हम काला कलर लगाते हैं तो धब्बा लग जाता है, यानी राहु का प्रयोग आपने वहां पे कर लिया तो गुरु राहु से गुरु चांडाल योग बन जाता है, इसलिए माथे पर काला तिलक नहीं लगाना चाहिए। परंतु कुछ काले कपड़े पहनने वाले ओघड़े अघोरी लोग अपने मस्तक पर काला तिलक लगाते हैं तो वो चांडाल कहलाते हैं, उनसे बचकर के रहना चाहिए हर मनुष्य को। तो गुरु का स्थान जो है हमारी दोनों आंखों के बीच में जो मध्य स्थान होता है वह स्थान होता है आज्ञा चक्र, और उस आज्ञा चक्र के पर गुरु का स्थान होता है, और गुरु को हमेशा पीले कलर से ही उसका तिलक करना चाहिए, हल्दी से बना हुआ कुमकुम रोली से तिलक करना चाहिए। तो कभी भी गुरु के ऊपर भभूति नहीं लगाना चाहिए। शिवजी के ऊपर भभूति लगाई जाती है, गुरु के ऊपर भभूति का छिड़काव नहीं होता है, और गुरु के ऊपर काला कलर का छिड़काव नहीं होता है। काला कलर यानी कि शनि,
इसीलिए हमेशा ध्यान रखें वहां पर जो है तिलक कभी भी आपको नीले कलर का या काले कलर का तिलक नहीं लगाना चाहिए। तिलक लगा करके बिंदी लगा करके आप अपने आप में एक आकर्षण व्यक्तित्व निखार सकते हैं, सुंदरता बढ़ा सकते हैं। महिलाएं काली नीली बिंदी का प्रयोग पूरी जिंदगी में करना ही नहीं चाहिए, परंतु आजकल की कुछ तथाकथित विवाहित महिलाएं फैंसी बनने के चक्कर में, मैचिंग करने के चक्कर में काली बिंदी भी लगाने लगी है, डार्क काली भी लगाने लगी है, जो बिल्कुल पूर्णतः गलत है। बाजारी बिंदी के साथ साथ हल्दी, चंदन या केसर की बिंदी लगाने का नियम है, ताकि गुरु जो आज्ञा चक्र पर बैठा हुआ है वह प्रसन्न रहे और आपको सद्बुद्धि प्रदान करता रहे। तो बिंदी पुरुषों को और स्त्रियों को दोनों को लगाना चाहिए, कुमकुम की लगाना चाहिए, इसीलिए कहा गया है कि कुमकुम की तिलक या बिंदी लगाएं और सुखी समृद्ध जीवन व्यतीत करना चाहिए। जय माता दी, जय मां कामाख्या।